झारखंड में अब मुखिया के समांतर एक नई समिति की भी व्यवस्था की गई है। सामान्य गांव में इसके लिए विकास समिति और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी विकास ग्राम समिति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दुमका के थानदार डुमरिया गांव में इसकी शुरुआत की। इसके पीछे सीएम रघुवर दास सरकार का अपना तर्क है। सरकार ऐसा मानती है कि मुखिया दलालों और बिचौलियों के साथ मिलकर फर्जी ग्राम सभा कर ग्रामीण विकास के पैसे को ऊपर ही ऊपर खा लेते हैं, जिससे गांव का विकास नहीं हो पाता। इस कंसेप्ट, इस पंचायती राज व्यवस्था के तहत अभी जो लाभुक समितियां बनाते हैं गांव में, तो ये बस्ती विकास समिति, आदिवासी विकास समिति पंचायती व्यवस्था के तहत एक लाभुक समिति के रूप में सीधे पैसे उसके अकाउंट में जाए, गांव वाला तय करे, हमको गांव में फेदर बलों पर आना। अब हमारी सरकार तय की कि गांव से आप संपर्क रास्ता कर, बिजली के क्षेत्र में काम चल रहा है, 18 तक हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाना। अभी 2019 तक हमने तय किया 1500 करोड़ हमने नवाड़ से लिया। अभी गांव वाला तय करे कि मेरा संपर्क रास्ता कहां से जोड़ना, लिख के देगा, हम लोग संपर्क रास्ता बनाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस नई व्यवस्था से विकास की राशि सीधे ग्राम विकास समिति के खाते में जाएगी और गांव का सही रूप से विकास होगा। जब ग्रामीणों के वोट से जीते हुए जनप्रतिनिधि मुखिया बिचौलियों, भ्रष्ट पदाधिकारियों और नेताओं के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा का सहारा लेकर ग्रामीणों के विकास की राशि को हड़प सकता है, तो फिर सरकार के इशारे पर बनी ये विकास समितियां ऐसा क्यों नहीं कर सकती? यह तो भविष्य में पता चलेगा कि ये आगे चलकर क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें यह देखना है इस पर मुखिया के जनप्रतिनिधि और झारखंड के विपक्षी दलों के नेता क्या रुख अपनाते हैं। दुमका से पंजाब केसरी के लिए वीरेंद्र कुमार झा।